स्वागत है आप सभी का विमला देवी पीजी का ऑनलाइन क्लासेस में। मैं नीरज कुमार मौर्य, डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर हिंदी कक्षा और संचालन आपको करा रहे हैं। पिछले वीडियो में आपको समान प्रतीत होने वाले विनार्थ शब्द को हल्का सा थोड़ा सा बताया था। आज हम आपको विस्तार से चर्चा करेंगे कि हिंदी में समान प्रतीत होने वाले शब्द लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो जाता है। शब्द तो दिखाई पड़ेंगे, किसी में तालब से होगा तो किसी में दंत स होगा, किसी में मूर्धन्य स होगा, किसी में छोटी मात्रा होता है, किसी में अक्सर लोग हिंदी में लिखते समय आजकल देखने आता है कि छोटी छोटी अशुद्धियाँ कर देते हैं और आशा करते हैं कि ये अर्थ छोटी मोटी अशुद्धियाँ से कुछ नहीं, लेकिन नहीं, हिंदी में छोटी सी अशुद्धियाँ अर्थ को अनर्थ में बदल देता है। आप कहना कुछ और चाहते हैं और जब लिख देते हैं सेंटेंस में वाक्य तो उस वाक्य का अर्थ कुछ और निकलने लगता है। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं कौन कौन से हैं ऐसे शब्द जो समान प्रतीत होते हैं लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। चलिए शुरू करते हैं। एक होता है आशक्त और दूसरा होता है आशक्त। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही फला व्यक्ति मेरे ऊपर आशक्त है, एक ने कह दिया फला व्यक्ति मेरे ऊपर आशक्त है, तो एक अशक्त का अर्थ होता है आशक्त। देखिए शब्द के अर्थ में जाइए, अशक्त जिसमें शक्ति न हो अर्थात निर्बल, इसका अर्थ देखिए निर्बल निर्बल बल, जिसके पास नहीं है क्या बल, इसे कहते हैं अशक्त। दूसरा होता है आशक्त, यानी फला व्यक्ति के ऊपर आशक्त है। अगर कह दीजिए कि फला व्यक्ति के ऊपर आशक्त है अर्थात क्या है निर्बल है, तो इसका अर्थ क्या हुआ अर्थ में न। और ये आशक्त आशक्त का अर्थ होता है मोहित मोह लेना। अब लोग फिर मैंने बहुत देखे होंगे उसमें कहते हैं कि फला हीरो ने फला हीरोइन के ऊपर आशक्त हो गया, और वही कह दीजिए फला हीरो ने फला हीरोइन पर क्या हो गया आशक्त हो गया, तो यहाँ शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। तो एक आशक्त अंतर क्या है फिर आत्मात्रा और इसमें तालब से है इसमें दंत से है, अशक्त निशक्त इसमें शक्ति न हो, आशक्त आशक्त मतलब मूल्य। एक होता है आचार एक होता है आचार। कभी कभी लिखने में लोग लिख देते हैं कि फला व्यक्ति का आचार नहीं सही है ने? और वहां कहना चाह रहे हैं कि फला व्यक्ति का आचरण या व्यवहार नहीं सही है और शब्द लिखिए फला व्यक्ति का आचार नहीं सही है, तो एक होता है आचार एक होता है आचार। एक आचार का अर्थ होता है पिकल, पिकल मतलब जो आचार वगैरह बनाते करते हैं फला व्यक्ति ये आम का है ये आंवला का है नींबू का है मुसम्मी, एक आचार का होता है पिकल मतलब आचार। और अब इस आचार का क्या अर्थ है दूसरे आचार का अर्थ है आचरण या व्यवहार, आचरण कहिए या व्यवहार। अच्छ और अच्छा एक अच्छ मतलब होता है धुरी, कहते ना ये फला चक्र के अच्छे तो उसका अर्थ होता है धुरी। एक होता है अच्छे अच्छे मतलब आग से संबंधित होता है, अच्छे मतलब आग। एक अच्छ अच्छ मतलब धुरी, एक अच्छे अच्छे मतलब आग, एक अतल है एक अतुल है एक अचल है, बताइए क्या होगा। अतल अतल मतलब बताइए, एक होता है अतल जिसका कोई तल न हो जिसका कोई आधार न हो अर्थात गहरा, कहते हैं नहीं यार इसका तो अतल ही है पता ही नहीं चला कितना गहरा है, अतल मतलब अतुल मतलब
जिसकी तुलना ना हो सके। अतुल मतलब क्या होता है? जिसकी तुलना ना हो सके, अर्थात उसे हम क्या कहते हैं, अर्थात जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसे कहते हैं अतुल। एक है अचल, अचल मतलब क्या होता है? पहाड़। एक अचल मतलब पहाड़, और अतुल मतलब जिसके समान कोई दूसरा ना हो। ये हुआ। अब नेक्स्ट है, सबसे एक होता है आरत और एक होता है आरती। बोलिए, एक होता है आरती, एक होता है आरती। आरत मतलब क्या होता है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। आरत मतलब होता है यहां दुख। एक आरती, आरती मतलब आप लोग बहुत सुनेंगे कि फला व्यक्ति आरती होती है, ठीक, दुख या विपत्ति। पूजा की दीप होती है, क्या होती है? पूजा की दीप आप लोग देखते होंगे, तो पूजा की, पूजा का दीप है, एक दीप जलता है, किसके लिए होता है? पूजा के लिए होती है, इसलिए कहते हैं आरती, मतलब जिसके पूजा की दीप जलाई जाए होती आरती। एक होता है आरती मतलब होता है दुख है, या कहीं विपत्ति, दुख या विपत्ति, ये हो गए क्या आरती। नेक्स्ट चलिए, एक होता है अपचार, एक होता है उपचार। आपने बहुत सुना है भैया फला व्यक्ति का अपचार होता है, तो अपचार और उपचार में क्या अंतर है बताइए? एक होता है अपचार और दूसरा होता है उपचार। उपचार का अर्थ समझ में आता है इलाज, अपचार का होता है एक बहुत सिंपल है कि भैया भला व्यक्ति का अपचार चल रहा है, दूसरा भैया इलाज क्यों चलता है? देखिए सिंपल सी है, हम आपको बता रहे हैं, जब कोई भी अपराध करता है, मारा जाता है, घायल होता है, तो इसका उपचार करना, जो अपचार करता है उसका उपचार जरूर होता है, तो अपचार मतलब होता है अपराध। जो अपराध अपचार करता है उसका उपचार जरूर होता है, अर्थात जो अपराध करता है उसका इलाज जरूर होता है। तो अपचार मतलब अपराध, उपचार मतलब इलाज, ठीक। एक होता है अविलंब, एक होता है अविलंब। आप लोगों ने देखा होगा, मैच में पढ़े होंगे, कहते हैं फला रेखा पर अविलंब है, तो अविलंब मतलब होता है सहारा। जैसे अर्थ समझिए, और अर्थ पे डिपेंड है, ये इस पर अविलंब है, ये रेखा अविलंब है, मतलब ये इस पर सहारा दी हुई है इसकी, एक अविलंब मतलब। एक होता है अविलंब, अविलंब मतलब ले रहे, जिसे कहते हैं तुरंत, अविलंब मतलब लेट रहे, कहते हैं ना अविलंब आएगी, अर्थात तुरंत आएगी। एक होता है अली, एक होता है अली, बहुत ही महत्वपूर्ण है अली और अली, अंतर क्या है? इसमें छोटी की मात्रा है, इसमें बड़ी की मात्रा है, लेकिन ये शब्द के विपरीत अर्थ दे रहे हैं। एक अली का अर्थ होता है धौरा, और एक अली का अर्थ होता है मित्र या सखी। देख लीजिए, अली मतलब क्या होता है? एक अली का अर्थ होता है भौरा, और दूसरे अली का अर्थ होता है मित्र या सखी, और ऐसे ही है ढेर सारे।
जैसे मान लीजिए हम आपसे प्रश्न करते हैं, एक होता है अंत, एक होता है अंत्य, अंत और अंत में अंतर क्या है ये बताइए। चलिए एक का अर्थ तो बता दे रहे हैं, एक अंत का अर्थ होता है समाप्त। इसको एक बार देख लीजिए और अच्छी सी याद कर लीजिए। एक बार हम आपको सिंपल सटीक बता दे रहे हैं, एक होता है अशक्त, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण, इसमें से अगर आप याद करें एक दो जरूर आता है एग्जाम में। एक अली वाला होता है अभिलंब, जितने भी ये सब महत्वपूर्ण है और बहुत सरल सरल आते हैं। देख लीजिए, एक आशक्त, आशक्त है जिसमें शक्ति है अर्थात निर्भर, और दूसरे आशक्त होता है मोहित। दूसरा है एक आचार, जिसे आप इकल कहते हैं। दूसरा एक आचार होता है जिसे आचरण या व्यवहार से संबंधित होता है। तो इस आचार का पिकल, कई तरीके से पिकल होते हैं, कई प्रकार के आचार होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, और दूसरा आचार। तीसरा है अच्छ, एक अच्छ मतलब धूरी होता है, अच्छित मतलब आठ होता है। कहते ना श्री कृष्ण ने मछली के आठ पे अच्छ लगाए थे, अर्थात क्योंकि धूरी होती है। एक होता है अतल, एक होता है अतुल, और एक होता है अचल। अतल मतलब जिसके तल का पता ही ना हो अर्थात गहरा, अतुल मतलब जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अचल मतलब अचल एक पहाड़। कहते हैं चल और अचल पहाड़ जैसी होती है, असल मतलब होता है पहाड़। आरंभ मतलब दुख होता है, विपत्ति होता है, सुख होता है। आरंभ मतलब पूजा का जो दुख आरती, आरती मतलब जो पूजा पूजा का दीप होता है वो जलाया जाता है, वही होता है आरती। एक आचार मतलब अपचार होता है, दूसरा अपचार होता है। अपचार मतलब जो अपराध करता है उसे अपचार कहते हैं, अपराध मतलब इलाज होता है। अवलंब, अवलंब मतलब किसी को सहारा देना, अवलंब कहलाता है। अविलंब बिना तुरंत आ जाना ही अविलंब था तुरंत। अलि मतलब भौरा होता है, अलि मतलब सखी होता है। चलिए अब होता अंत और अंत, अंत और अंत में क्या अंतर है। सिंपल सा चीज है, देखने में तो लगता है कि ये दोनों ही एकदम समान वर्ण है। जब समान शब्द है तो समान अर्थ भी होंगे, लेकिन नहीं, एक अंत होता है और दूसरा अंत होता है। क्या होता है अंत, एक अंत का मतलब समाप्त होता है। इस अंत का क्या मतलब होगा, इस अंत का मतलब होता है नीच। अंत्य, अंत मतलब नीच, अंत मतलब समाप्त। ठीक, नेक्स्ट इसे एक अंतर्गत होता है, एक अंतर्गत होता है। अंतर्गत शब्द वही है और दूसरा है अंतर्गत, अंति क्या होगा, एक अंतर्गत होता है। अंतर्गत मतलब ये इसके अंतर्गत का सम्मिलित कर लिया जाता है। सम्मिलित एक अंतर्गत मतलब क्या होता है, चित्त वृत्ति अंतर्गत। अब ये अंतर्गत हो गए, सुना होगा आप लोग कि फला ऋषि मुन अंतर्गत हो गए, अर्थात चित्त वृत्त हो गए, अंतर यही है आपका। एक अंतर्गत मतलब संबंधित होता है, एक अंतर्गत मतलब होता है चित्त वृत्त, अपनी जो सारी इंद्रियों के एकाग्र कर ली वही क्या होता है चित्त वृत्त। एक अपेक्षा होता है, एक अपेक्षा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक अपेक्षा दूसरा उपेक्षा, बताइए आप लोग। आप लोग बहुत सुने होंगे कि इन्होंने आपसे बड़ी अपेक्षा थी, कहते ना भैया आपसे बहुत अपेक्षा थी कि आप हमारा ये काम कर देंगे। तो बताइए अपेक्षा का मतलब क्या होता है, एक अपेक्षा मतलब होता है इच्छा और एक उपेक्षा मतलब होता है तिरस्कार करना। क्या होगा, तिरस्कार करना। ठीक, एक अजर होता है, एक अजीर होता है। क्या होता है,
एक होता है अजर और एक होता है अजीर। बताइए अजर का अर्थ क्या होता है, अजीर का अर्थ क्या होता है? अजर और अजीर, या फिर ये बताइए एक मिनट के अंदर में हमको बताइए। कहते भाई ये अजर अमर हो गए, तो अजर और अजीर में क्या अंतर है? अजर अजीर बताइए इसमें क्या अंतर है अजर और अजीर? अजर मतलब होता है देवता, अजीर मतलब होता है आगे। कहते ना ये फलावृत अजर है, तो अजर और अमर कौन होते हैं? देवता होते हैं। ठीक, एक होता है आकर एक होता है आकार। आकर मतलब क्या होता है और आकार मतलब क्या होता है? आकर मतलब होता है खान और आकर मतलब आकृति, उनकी आकृति किसकी है, आकार कैसी है। अब वो बहुत होता है फलाकृति का आकार नहीं सही है, फला का आकार ऐसा है, फला का आकार वैसा है, तो उसकी आकृति होती है, उसकी बनावट होती है, यही होता है। एक आकार होता है और एक क्या होता है आकर। आकर मतलब होता है खान और आकार मतलब होता है आकृति। ठीक, एक देखिए बहुत शब्द है बहुत प्रयोग होता है। एक आदि होता है, एक आदि होता है, बताइए दोनों में क्या अंतर है? कोई ऐसे लिख देता है कोई ऐसे लिखता है, लेकिन देखने में लगता है कि भैया मेरे दोनों शब्द समान है, लेकिन नहीं, अर्थ अलग अलग है। तो बताइए एक आदि और एक आदि का मतलब क्या होता है? आदि का मतलब होता है अभ्यस्त, तो आदि का मतलब कहते हैं प्रारंभ। क्या किया गया इनकी आदि आदि और आदि हो गया। लिखिएगा पूछता बहुत है, कहते हैं ना फला शराब का बहुत आदि है, तो आदि पर अभ्यस्त, अभ्यस्त मतलब उसी को बार बार करना, कोई भी चीज बार बार किया था कहते भाई इसमें अभ्यस्त हो गए। हम आप हिंदी बोलते हैं कहते भैया ये तो बहुत ही आदि हैं, ये हिंदी बोलने के बहुत आदि है, अंग्रेजी बोलने के बहुत आदि है, उर्दू बोलने के बहुत आदि है, यानी अभ्यस्त, बार बार कोई चीज आप करेंगे उसको आदि मतलब होता है अभ्यस्त, आदि मतलब होता है प्रारंभ करना। ठीक, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। और जैसे मान लीजिए एक दिन होता है एक दिन होता है, चलिए पता है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक दिन होता है एक दिन होता है, कहीं आज मंगलवार दिन है और लिख दीजिए आज मंगलवार। सब देखिए जैसे आज क्या है, आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार दिन है। ठीक, आज शुक्रवार दिन है, लिख लीजिए आज शुक्रवार दिन है। देखिए क्या दोनों का अर्थ वैसे निकलता है, एक दिन का अर्थ है समय से और एक दिन का अर्थ है गरीब, तो शब्द का अर्थ बदल जाता है। आपको तो लगता है कि यार हमने छोटी सी गलती की थी, गलती क्या था छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा, लेकिन उस शब्द का अर्थ क्या हो गया, अर्थ का अनर्थ। एक दिन का मतलब होता है दिवस और दूसरे दिन का होता है करीब। ठीक, ये मान ये दिन क्या है, ये दिन का मतलब हो गया दिवस, ये दिन का अर्थ क्या हो गया
गरीब आई लोग समझ में चल। एक कर होता एक कारा होता है, एक कर होता है एक कारा, अंतर क्या है दोनों कर और कारा? कर मतलब तो तुम्हें हाथ जोड़ कर, कारा मतलब हाथ, कारा मतलब जीव, ठीक। एक कर होता है कर मतलब हाथ से संबंधित है, एक कारा है कारा मतलब जेल होता है, एक कर ही होता है, कर मतलब हाथ, तो कर मतलब हाथ, कारा मतलब जी, कर मतलब हाथ। इसको देखिए तीनों चीज क्लियर करने वाले हैं, कर कारा कर, इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसमें आ की मात्रा, इसमें छोटी मात्रा है। कर मतलब हाथ, कारा मतलब जी, कर मतलब हाथ, ठीक। एक गुरु होता है, एक गुरु होता है, गुरु गुरु तो सब लोग जानते हैं, गुरु मतलब गुरु का अर्थ होता है, गुरु का अर्थ वास्तव में होता क्या है बताइए? कहते भैया फला गुरु है, उसको फला गुरु मतलब उपाय, गुरु मतलब उपाय, ठीक। ये थे एक और मान लीजिए, एक चरण होता है एक चारण होता है, चरण और चारण में क्या है? समान शब्द हैं लेकिन अर्थ भिन्न नहीं है। चरण और चारण, चरण और चारण में क्या अंतर है बताइए? एक चरण मतलब पैर होता है, चारों मतलब भाग जाता है, ठीक। तो चरण मतलब पैर, चारों मतलब भाग, समान। एक मान लीजिए ग्रह और गृह, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ग्रह और गृह क्या अंतर है? ग्रह मतलब क्या होता है और गृह मतलब क्या होता है? आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि भैया ये ग्रह है ये गृह है। ग्रह नवग्रह है, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ये सब क्या है? ग्रह है सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, ठीक, शुक्र, ये सब ग्रह कहो कि ना। एक होता है गृह, गृह मतलब घर, ठीक। ग्रह मतलब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी बुध शुक्र, ये सब क्या है? ये सब ग्रह है। और गृह, गृह मतलब होता है घर। एक दशा होता है एक दिशा होता है, दशा और दिशा बताइए। दशा मतलब क्या होता है? दिशा, कहीं फलित व्यक्ति का दशा नहीं सही है तो दशा का अर्थ क्या होता है बताइए? और दिशा का अर्थ क्या होता है? एक मिनट के अंदर बताइए, दशा और दिशा क्या है? दशा और दिशा, फला व्यक्ति का दशा नहीं सही है हालत, दिशा तरफ, जैसे कहें पूर्व दिशा पूर्व की तरफ, पश्चिम दिशा पश्चिम की तरफ, उत्तर दिशा उत्तर की तरफ, दक्षिण दिशा दक्षिण की तरफ। तो दशा मतलब क्या होता है? तरफ। दशा मतलब क्या होता है? हालात, कि राम का दशा नहीं सही, अर्थात राम की हालत नहीं सही है। एक होता है प्रणय, एक होता है परिणय। आप लोगों ने शादी काल में देखा होगा, इसको एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर से
दिन का क्या होता है, दिवस दिन घड़ी। एक बार देख लीजिए इस स्क्रीन पर जो भी है उसको अच्छे से याद कर लीजिए। एक होता है प्रणय और एक होता है परिणय। प्रणय परिणय बताइए क्या होता है प्रणय और परिणय का? प्रणय मतलब होता है प्रेम, परिणय मतलब होता है विवाह। आप लोगों ने अक्सर शादी विवाह में गाड़ी उड़ी आते आप लोग देखी होंगी तो लिखा रहता है राम परिणय सीता। इसका मतलब क्या होता है? तो राम का जो विवाह है किससे हो रहा है? सीता से। प्रणय ये हुआ प्रणय और प्रणय। एक खल होता है, एक खाल होता है। खल और खाल में क्या अंतर है? खल मतलब खाल मतलब चमड़ा, चमड़ा से संबंधित जो होता है जिसे आप लोग कहते हैं त्वचा, स्किन, ठीक। तो खाल मतलब बहुत ही खल व्यक्ति, खाल मतलब दुष्ट होता है और खाल मतलब क्या होता है? त्वचा से संबंधित। एक इसी में देखिए छोटी मात्रा में खाली हो जाती है। खाली मतलब क्या होता है? रिक्त। खाली मतलब रिक्त। खल दुष्ट, आ की मान पड़ा खाल त्वचा, कहते ना इनकी खाल नहीं सही है, त्वचा चमड़ा संबंध, खाली रिक्त। और एक निर्माण होता है, एक निर्वाण होता है, बहुत ही सही शब्द है। निर्माण और निर्वाण कहते हैं कि मकान का निर्माण हो रहा है, तो निर्माण मतलब क्या होता है? रचना, मकान की रचना हो रही है। और निर्वाण मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति करना। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति की थी, महात्मा बुद्ध ने मोक्ष की प्राप्ति की थी। तो निर्वाण मतलब मोक्ष, निर्माण मतलब रचना। हल्का सा अंतर है निर्माण और निर्वाण में, ठीक। म और व में अंतर है बस। तो निर्माण याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। निर्माण और निर्वाण क्या होता है? कभी कभी आता है निर्माण और निर्वाण का अर्थ, ठीक। तो ये हुआ आपका इतने सारे शब्द, चरण चारण ग्रह गृह दशा दिशा, निर्वाण निर्वाण, खल खाल खाली, प्रणय प्रणय। प्रणय प्रणय तो बहुत महत्वपूर्ण है, निर्वाण निर्वाण महत्वपूर्ण है। एक होता है प्रसाद, एक होता है प्रासाद। आप लोग कहेंगे खल आदित्य का प्रसाद लेने जा रहे हैं, तो प्रसाद और प्रासाद में क्या अंतर है बताइए? प्रसाद और प्रासाद लिख दे रहे स्क्रीन पर। प्रसाद प्रासाद दोनों में अंतर कहीं क्या अंतर हो सकता है? एक प्रसाद मतलब प्रसन्नता, प्रसन्न। दूसरा प्रसाद मतलब, ये और मान लीजिए जैसे पानी है और पहाड़, पानी और पहाड़ में क्या अंतर है बताइए? पानी पहाड़, एक तो पानी मतलब हो गया जल, पहाड़ मतलब हवा, पानी मतलब जल, प्राण मतलब हाथ। एक होता है बल, एक होता है बलि।
पाली और बताइए, बहुत सिंपल शब्द है बलि और बली, अंतर क्या है इसमें? छोटी मात्रा इसमें बड़ी की मात्रा। बताइए बलि और बलि में क्या अंतर है? बलि मतलब कहते फला व्यक्ति का बलिदान है, बलि मतलब बलिदान, बलि मतलब जिसके अंदर बहुत बलि, जिसे कहते हैं बलि मतलब बलिदान, और बलि मतलब शक्तिशाली। ठीक, एक मूल होता है एक मूल्य होता है, मूल और मूल्य में क्या अंतर है बताइए? एक मूल होता है एक मूल्य होता है, मूल का अर्थ क्या होता है? मूल का अर्थ होता है जड़, और मूल्य का क्या अर्थ होता है? मूल्य का अर्थ होता है कीमत। मूल्य का अर्थ क्या होता है? जड़। मूल क्या होता है? कीमत। चलिए इतना आप अच्छे से याद रखिए, कंठस्थ करिए, ठीक, एक एक शब्द। इसमें अगर छोटी सी अगर आपने गलती किया, प्रसाद को अगर प्रसाद ले दिया तो अर्थ का अनर्थ होता है, खल का खाल ले दिया तो अर्थ का अनर्थ होता है, प्रणय का प्रणय ले देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। देखने तो लगता है कि समान प्रतीत होने वाले अर्थ है, लेकिन अर्थ कैसे देंगे भिन्न भिन्न। तो आज अपना वीडियो यही समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो कैसे लगा उस पर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।